हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनोज फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ये अम्ब्रेला लहंगा बनाया। दोस्तों, ये लहंगा मैंने ये अस्तर लगा के बनाया। ये अस्तर मैंने इसमें एयरलाइन लगाया, वैसे इसमें अस्तर अम्ब्रेला भी लग सकता है, लेकिन हमने ये एयरलाइन ही लगाया है। और दोस्तों, अम्ब्रेला अस्तर लगाने में ये जब वॉश होता है लहंगा, तो अस्तर इसमें गिरने लग जाता है, तो इसलिए हमने ये अस्तर बिल्कुल इसमें अम्ब्रेला ही लगाया है। और दोस्तों, इसके अंदर मैंने ये यहाँ पे 8 इंच चौड़ी कैनवास भी लगाई है नीचे, और यहाँ पे साइड में ये जिप भी लगाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग ये दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। दोस्तों, देखते हैं वीडियो में कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से होती है। ये लहंगा बनाने के लिए हमने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, और इसका पन्ना है 1.5 मीटर का, ये 1.5 मीटर वाला पन्ना है। और इसी तरीके से हमने ये 2.5 मीटर अस्तर लिया है। इस अस्तर को भी नाप के बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपना 2.5 मीटर अस्तर है। हमें ये अम्ब्रेला लहंगा बनाना है। लहंगा तो अपना अम्ब्रेला कटेगा, लेकिन जो ये अस्तर है, इस अस्तर को हम अम्ब्रेला नहीं लगाएंगे, इसको बिल्कुल एयरलाइन कटिंग करके ही लगाएंगे। और इधर जो जोड़ आएगा, वो इस साइड से जो कपड़ा निकलेगा, उसको इधर घुमा के और जोड़ लगा देंगे। ये इस काउंटर पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका घेर काफ़ी दूरी तक जाएगा, तो इसलिए हम इसको फर्श पे कटिंग करेंगे। इस कपड़े को मैं फर्श पे लेके आ गया हूँ, और अब इस कपड़े को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। हमने इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद में ये जिस साइड से बंद है, उस बंद वाले हिस्से को ये हमने बराबर फोल्ड कर लिया है इसको। और हमें ये ध्यान रखना है, ये जो प्लेन वाइट कलर का कपड़ा है, इसको इतना इतना बाहर की तरफ रखना है, ये यहाँ से, ताकि अपनी जो यहाँ पे चेन भी लगेगी इस जगह, और फिर जो ये सिलाई लगेगी, इसमें ये पूरा प्लेन वाइट कपड़ा दब जाएगा। अब इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। हमने इसको यहाँ से इतना इतना फोल्ड किया है। अब इसका मेज़रमेंट बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हमें केवल दो नाप चाहिए, एक होगी कमर और एक इसकी लेंथ। तो कमर इसकी है 34, और लेंथ है इसकी 37। दोस्तों, इसमें जो कमर है 34, तो 34 का हमें चौथा भाग निकालना है। 34 का चौथा भाग होगा यहाँ पे अपना 8.5 इंच। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इंची टेप रखना है, और ये 8.5 इंच पे यहाँ पे मिलाएंगे निशान को, और यहाँ पे निशान लगाएंगे, और ये जो निशान है, इसको इस तरीके से सीधा मिला लेंगे। ये कमर हमने बिल्कुल फिक्स नहीं ली है, कमर हमने 3 इंच लूज ही रखी है। उसके बाद में जब ये रेडी हो जाएगा, तो जब पहनने के बाद में ये पूरा सलवट में सेट हो जाएगा 3 इंच। अब यहाँ से हमें नेफे के लिए 1 इंच ऊपर छोड़ना है, और उसके बाद में हमें लगाना है 37.5 पे। ये 37.5 पे हम इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि आधा इंच हमें नीचे से मार्जिन के लिए रखना है। ये जो हमने निशान लगाया, इसको थोड़ा गहरा कर लेते हैं। और ये हमने जो 37.5 पे लगाया निशान, उसी तरीके से इंची टेप यहाँ पे आगे बढ़ा बढ़ा के, और यहाँ पे 37.5 पे निशान लगाते जाएंगे। अब ये हमने जो निशान लगाया है, बिल्कुल बराबर मिला लेते हैं निशान को आपस में। अब जो ये कमर वाला और ये लेंथ वाला जो निशान लगाया हमने, उस निशान निशान पे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसमें ये 1.5 मीटर का पन्ना नहीं होता, अगर इस पन्ने की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती कपड़े में, तो यहाँ पे अपना इस जगह तिरछा जोड़ आता। तो दोस्तों, आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा, छोटे पन्ने से अगर कभी लहंगा बनाएंगे, तो उसमें बताऊँगा कि यहाँ पे जोड़ किस तरीके से लगता है। अब ये कटिंग कर ली है हमने। अब इसके बाद में इसका अस्तर कट कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है, ये जो हमने ये फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से कपड़े को कट नहीं करना है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि
केवल इधर सिलाई लगेगी तो यहाँ पे जिप भी लग जाएगी और यहाँ से सिलाई नीचे उतर जाएगी। अब एक यहाँ पे ये बीच सेंटर वाला कट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 8 इंच चौड़ी कैनवास कट करनी है, तो वो हम अस्तर काट लेते हैं, फिर उसके बाद में कट करेंगे। अब ये अपने पास जो ये अस्तर है, ये अस्तर इस तरीके से फोल्ड होया हुआ है, तो इसको बिछा लेते हैं एक बार हम। ये यहाँ से इस तरीके से गोलाई में निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें ये निशान लगाना है, इस जगह रखना है 38 को, और यहाँ से ये 1 इंच हमने नेफे के लिए जैसे उस लहंगे में छोड़ा है उसी तरीके से इस अस्तर में भी 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे। और यहाँ से हमने रखा था 8.5 इंच, तो ये 8.5 इंच पे निशान लगाते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ से 2 इंच यहाँ से ल्यूजिंग छोड़नी है। 2 इंच ल्यूजिंग हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि अंदर हम ऐसे सलवट डाल देंगे ताकि बैठने में हिप फंसे नहीं। और इसके बाद में इस निशान को इस तरीके से तिरछा उतार लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया, इस निशान पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस अस्तर को निकाला है, तो इसको घुमा के इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ लगा देंगे। अब ये अस्तर नीचे जोड़ लगाने से अपना ये इसमें घेर बढ़ जाएगा, नहीं तो ये घेर बहुत फंस जाता है इसमें। इसको आगे इस तरीके से गोलाई देके और इसको बिल्कुल सीधा मिला देंगे। अब एक बार दोस्तों यहाँ से रख के इंची टेप को इसको नापते हैं, यहाँ से 37 आ रहा है। यहाँ पे हमें इस अस्तर को 1 इंच ऊपर रखना है, तो यहाँ पे ये निशान लगाएंगे 36 में और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये निशान अपना गलत लगा हुआ है, इस जगह लगाएंगे। अब हमने अस्तर 1 इंच ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि ये होता है अपना औरेब हिस्सा, तो ये तिरछा हिस्सा होने के कारण जब ये वॉश होता है तो ये कोने इसमें गिर जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको 1 इंच ऊपर लिया है। अब इस निशान पर कटिंग कर लेते हैं हम। अब ये दोस्तों ये लहंगे का अस्तर भी कट के अपने पास रेडी है। अब हमें केवल करना है नेफा कटिंग। तो नेफे के लिए अपने पास ये साइड में से बचा हुआ कपड़ा है, कमर अपने पास है इसकी 34, तो हमें 34 के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है नेफे की। कमर अपनी इसमें 34 है, तो यहाँ से हम इस जगह से 34 का हाफ हुआ है 17 इंच, और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन, तो इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे 18.5। 18.5 इंच पे निशान लगाया मैंने इस पे, ये इस जगह अपना डबल फोल्ड हो रहा है। तो इसको कपड़े को यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड करके इंची टेप को यहाँ पे ये 2 इंच पे रखना है, और यहाँ से 2 इंच चौड़ा नेफा कट करना है जो ये हमने निशान लगा रखा है उस पर कटिंग कर लेते हैं। ये हमने नेफा भी कट कर लिया है इसका। अब इसके बाद में अपने पास बचा है केवल नाड़ा कट करना, तो नाड़ा भी कट कर लेते हैं इस कपड़े में से हम। ये इधर से हमने नेफा निकाला था, उसी जगह से हम नाड़ा भी निकाल लेते हैं। ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है, इसको हम जोड़ के नाड़ा बना लेंगे। ये जो अस्तर है, इस अस्तर को हम इस नेफे में लगाएंगे, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं, इसके बराबर कट कर लेते हैं इसको अस्तर को। अब ये इस नेफे का अस्तर भी कट के रेडी है अपने पास। अब इस लहंगे की पूरी कटिंग हो चुकी है, लेकिन बस अपने पास इसमें नीचे ये कैनवास लगानी है, तो केवल कैनवास कैनवास कट करनी है, तो पहले हम एक बार इसकी कैनवास भी कट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें जब 2.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच तक की जब कैनवास लगानी होती है, तो हम यहाँ से बिल्कुल इसको सीधा कट कर लेते हैं, लेकिन अब इसमें हमें 8 इंच चौड़ी कैनवास लगानी है, तो इसके लिए हमें सीधी कट करेंगे तो फिर इसमें बीच बीच में हमें सर डालने पड़ेंगे और वो काफ़ी गंदे दिखेंगे इसमें।
तो अब इसमें हम जिस तरीके से ये लहंगा जमा हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ से इस कैनवास को कट करेंगे। अब हमने इस पे इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके, ये डबल फोल्ड है कैनवास, हमने इसको इसके ऊपर जमा लिया है घेर को। अब यहाँ से हम इसके बिल्कुल पास पास में निशान लगाएंगे, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर मिलाना है हमें इस लहंगे को। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है कैनवास के ऊपर। अब हमें इस लहंगे को हटा देना है और अब यहाँ से हमें ये 8 इंच में हमें ये निशान लगाना है इस जगह। दोस्तों 8 इंच निशान हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें कैनवास 8 इंच चौड़ी चाहिए। इसी तरीके से ये निशान आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। ये 8 इंच की दूरी में हमने ये निशान लगा लिया। अब जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जिस तरीके से हमने यहाँ से एक कैनवास निकाल ली, अब जिस उसी तरीके से हमें इस कैनवास को यहाँ पे रखना है और बिल्कुल बराबरी में एक हिस्सा और निकालना है, क्योंकि ये अपना जो ये निकाला है हमने कैनवास का हिस्सा, ये केवल आगे आगे वाले हिस्से में लगेगा, पीछे के लिए हमें और निकालनी है कैनवास। ये हमने इस कैनवास में से ये दो टुकड़े निकाल लिए हैं, ये इस तरीके से एक अपना लगेगा आगे की तरफ और एक लगेगा पीछे की तरफ। अब एक अस्तर का कपड़ा हमने और लिया हुआ है, ये अस्तर अपने पास इसीलिए है जो हमें इस कैनवास में लगा के और इस लहंगे में फोल्ड करना है। तो इस अस्तर को हम, ये इस तरीके से फोल्ड होया हुआ है, इस अस्तर को लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इसको बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे। ये अस्तर इसमें बिल्कुल इस तरीके से बराबर मिला लिया है। अब इस शेपर को इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि ये अस्तर हिले नहीं। इसमें इस जगह से करीब 1 इंच का मार्जिन रखें और इतनी दूरी पे इसको कट करना है। अब यहाँ से जो ये इतना इतना तिरछा निकल रहा है यहाँ पे अपना ये जोड़ लग जाएगा, फिर उसके बाद में ये पूरी कैनवास कवर हो जाएगी। यहाँ से पहले हम इसको थोड़ी दूरी पे कट करेंगे और फिर उसके बाद में अगर सही लग जाएगी कैनवास तो फिर इसको बाद में कट कर लेंगे। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे ये 20 सेंटर वाला कट लगा लेते हैं इसमें, और यहाँ पे भी 20 सेंटर वाला कट लगा लेते हैं। इस अस्तर में से हमने यहाँ पे ये जोड़ लगाने हैं वो कट कर लिए हैं। अब दोस्तों कटिंग अपनी यहाँ तक कंप्लीट है, अब इसे हम बनाते हैं मशीन पे। दोस्तों इस लहंगे को मैं लेके आ गया हूँ मशीन पे। अब ये हमने जो कैनवास वाला सेट कट करा है इसको इस तरीके से बिल्कुल फोल्ड करके साइड में रख लेंगे। और ये अपना अस्तर है और ये मेन मटेरियल है लहंगे का। अब इनको हम बिल्कुल साइड में रख लेते हैं। पहले हम बनाएंगे इसका नाड़ा। ये यहाँ पे नाड़े के लिए हमने दो पट्टियाँ कट करी थी, इन पट्टियों को जोड़ लेते हैं और फिर इसका बना देते हैं हम नाड़ा। इसको इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल किनार पे इस जगह सिलाई लगानी है। ये नाड़ा हमने बना लिया। अब ये हमने जो ये नेफे के लिए कपड़ा कट करा हुआ है इसका नेफा भी बना लेते हैं। ये नेफे में जो अस्तर लगेगा वो वाला है, यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसको कट कर लेते हैं और इस जगह से खुला हुआ है यहाँ पे जोड़ लगा देते हैं। यहाँ से जो हमने ये जो जोड़ लगाया है इस जोड़ को चिरवा कर लेते हैं दोनों तरफ। इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। यहाँ से इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ से हम 34 पे निशान लगाएंगे और 34 के यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद में इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे 1 फुट की सिलाई। ये हमने इस तरीके से बिल्कुल बराबर सिलाई लगा ली है। अब ये अपना नेफा भी रेडी है। अब बस नेफे में हमें ये 4 निशान लगाने हैं, फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट। तो एक साइड से तो ये नेफा खुला रहेगा तो एक निशान तो ये हो गया,
एक निशान यहाँ पे बिल्कुल बराबर करके इस जगह लगा देते हैं, और इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड करके और यहाँ पे दो निशान लगा देते हैं। ये अपना फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। इस नेफे को भी रखते हैं हम साइड में, और जो अस्तर कट करा था हमने उस अस्तर में जोड़ लगाते हैं। इस अस्तर में इस जगह हम जोड़ लगा लेते हैं इसमें। अब इसमें अस्तर में हमने ये जो चार जोड़ काटे हुए थे, इन चारों जोड़ों को हमने इसमें इस तरीके से जोड़ के लगा दिया है। अब हमने ये जो जोड़ लगा लिए हैं, जोड़ लगाने के बाद में इस अस्तर वाले हिस्से को इस तरीके से खोलते हैं, और खोलने के बाद ये अपना जोड़ लगा हुआ है, जोड़ लगा हुआ हिस्सा पीछे की तरफ है उधर, इसको हम रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से इसमें भी जोड़ लगाया हुआ है हमने अस्तर में, इसको हम रखते हैं ऊपर की तरफ जोड़ को। और यहाँ पे रखने के बाद में यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। इसमें हमने जोड़ लगा दिया है। अब अपने पास ये जो लहंगा है, इस लहंगे को लेंगे और इसमें हम फ्रंट और बैक का कट लगाएंगे इस जगह पे। और ये अपना साइड वाला कट, और एक साइड से तो अपने यहाँ पे जोड़ है ही, इसको हम खोल लेते हैं। ये अपना कमर वाला हिस्सा है। अब इस कमर वाले हिस्से में अपने पास ये जो नेफा रेडी करा हुआ है, इस नेफे को इस तरीके से रखेंगे। ये जो वाइट पट्टी है वो बिल्कुल अंदर की साइड में लेनी है, बाहर की तरफ नहीं रखनी है। तो यहाँ पे इसको इस जगह मिलाएंगे और यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अपना ये फ्रंट वाला हिस्सा मिल गया। अब इसी तरीके से ये जो साइड में हमने कट लगाया, ये साइड से साइड वाला कट मिल जाएगा। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा नहीं खींचना है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा अपना बिल्कुल ओरेप होता है, तो उस तिरछे कपड़े को नहीं खींचना है। ये नेफा जोड़ने के बाद में अब ये अपने पास जो अस्तर है, इस अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे। ये अपना अस्तर में कमर वाला हिस्सा है, ये इस अस्तर को इस तरीके से रख लिया है। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे हमने जो ये 1 फुट की सिलाई लगाई हुई है नेफे में, उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें ये इस तरीके से सलवट डालनी है, 2 प्लेट्स डल जाएगी यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक। इस अस्तर में भी हमने यहाँ पे एक कट लगाया था, तो वो कट से ये कट मिला दिया हमने। और इसी तरीके से ये साइड वाला निशान बिल्कुल इस जगह साइड में मिलेगा। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसमें ये सिलाई लगाई हुई है नेफे में, उसी तरीके से इसमें इधर भी सिलाई लगा देते हैं। ये इस लहंगे में हमने इस जगह इस तरीके से बिल्कुल बीच में नेफा लगा दिया। अब इसके बाद में इस अस्तर को हम इस तरीके से यहाँ पे अंदर की साइड में पलटी लगाएंगे इस तरीके से। और अब इसमें हमें ये कैनवास लगानी है, तो पहले हम एक बार इस कैनवास को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो जोड़ है, जोड़ लगा लेते हैं पहले एक बार। हम से जो जोड़ लगाने थे, जोड़ लगा लिए। अब इसके बाद में हम इस कपड़े के ऊपर यहाँ पे ये कैनवास चढ़ाएंगे, तो ये कैनवास हमें इस तरीके से गोलाई में ही लगानी है। ये अपना 20 सेंटर लगा हुआ था निशान, यहाँ पे सेंटर मिला के ही लगाएंगे सिलाई। और ये कट लगाया हुआ हमने, अब यहाँ पे हम 1 फुट वाली सिलाई लगा देते हैं पहले। ये यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जिस तरीके से हमने ये सिलाई लगाई है, उसी तरीके से यहाँ पे 3 सिलाइयाँ और लगा देंगे। वो 3 सिलाइयाँ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जब वॉश होएगा लहंगा, तो उसके बाद में यहाँ से
ये बीच में से इस तरीके से श्रिंक हो जाएगी, तो इसलिए हम ये सिलाई लगा के इसमें पकड़ बना देंगे कपड़े में। ये दोस्तों मैंने इसमें ये इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद में ऐसे यहाँ पे गोलाई है, तो इस गोलाई गोले में हम यहाँ पे पहले इस जगह से यहाँ पे कट लगा लेंगे, और कट लगाने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे। हम कट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये फोल्ड होएगा नहीं, अगर कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे सेल पड़ने लग जाएंगे। हमने इस यहाँ पे कट लगा लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये इधर मैंने ये एक कैनवास वाला सेट रेडी कर लिया है जो अपना एक हिस्से में लगेगा। इसी तरीके से अपने पास ये एक और कैनवास वाला हिस्सा है, तो उसको भी रेडी कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें मैंने इस तरीके से ये दोनों हिस्से तैयार कर लिए कैनवास के। ये अपना यहाँ पे घेर है, इस घेर में हमें फ्रंट और बैक का कट भी लगाना है, तो हमने ये इस जगह यहाँ पे लगा लिया है। अब ये जो कट लगे हुए हैं, इस कट से अपना जो कैनवास में जो निशान लगा हुआ है 20 सेंटर वाला, वो मिलके लगेगी सिलाई यहाँ पे। ये जो कट लगा हुआ है इस कट से, इसमें जो हमने अभी ये लहंगे में कट लगाया है वो कट, ये दोनों कट मिलाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिला के और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई हमें लगानी है बिल्कुल इस जगह किनार पे, कैनवास के ऊपर नहीं लगानी है ये सिलाई। ये यहाँ पे अपना ये जो कट लगा हुआ था, ये कट से कट मिल गया। अब यहाँ तक हमने ये सिलाई लगा दी है। अब ये यहाँ पे अपना एक साइड वाला कट आ गया, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे कैनवास में, और ये निशान जो लगा रहे हैं हम, अब सिलाई जो हम जो जोड़ लगाएंगे यहाँ पे एक और कैनवास वाला हिस्सा है उसमें, तो वो इसी निशान के ऊपर सिलाई लगेगी। पहले हम यहाँ से इस सिलाई को उतार लेते हैं। अब जो मेरे पास ये एक और कैनवास वाला हिस्सा बनाया हुआ है, ये रखेंगे नीचे, और ये जो इस लहंगे में जोड़ा हुआ है उस हिस्से को हम रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल बराबर बीच में, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जोड़ लगाना है। अब यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया उसी निशान के ऊपर ये जोड़ लगा देंगे। अब ये जो जोड़ लगाया हुआ है हमने, इसको दोनों तरफ चिरवा कर देते हैं। अब दोबारा हमने जहाँ से ये सिलाई उतारी थी वहीं से ये सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इसमें हमने ये कैनवास लगा ली है। अब इसको हमें कैनवास को पीछे की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से, पूरे घेर में हमें ये कैनवास अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। इसके बाद में हमें ये यहाँ पे इस जगह किनार पे सिलाई लगा के इसको इसके ऊपर चिपका लेना है। बस हमें इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो ये नीचे वाला कपड़ा है इसमें सल नहीं आने देना है। ये इसमें हमने इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखें सिलाई लगा दी है, और दोस्तों यहाँ पे हमने कहीं पे भी इसमें सल नहीं आने दिया है। अब हमने घेर में तो कैनवास लगा दी है। अब इसके बाद में ये जो नेफा है, इस नेफे को इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर हमें यहाँ पे ये साइड वाली सिलाई लगानी है। पे हमें ये बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमें 8 इंच तक यहाँ पे एक जिप लगानी है, तो हमें 8 इंच तक तो ओपन ही रखना है। ये यहाँ से मैं इसको अंदाजे से खुला रख देता हूँ। यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगाएंगे धागे को यहाँ पे पक्का करके, और फिर आगे सिलाई बढ़ाएंगे। यहाँ से हमने 2 इंच सिलाई लगाई है, इस जगह से नीचे 2 इंच तक सिलाई ला के रोकी है, और यहाँ पे धागे को पक्का किया है, और फिर अस्तर को ऊपर वाले अस्तर को इधर निकाल देंगे और नीचे वाले अस्तर को पीछे की साइड में नीचे से निकाल देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ जो हमने सिलाई उठाई है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ से सिलाई हमने रोकी है, तो इसी जगह से हमें ये सिलाई वापस से स्टार्ट करनी है। और इस सिलाई में अब अस्तर साथ में नहीं रहेगा, इसमें केवल लहंगे लहंगे में सिलाई लगेगी। ये यहाँ से धागा हमने पक्का कर लिया। अब हमें लगानी है इस अस्तर अस्तर में सिलाई, तो इस अस्तर को हम पकड़ेंगे इस तरीके से बाहर की तरफ करके, और यहाँ पे जो हमने ये सिलाई छोड़ी थी
इसको यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करके और इसमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये साइड वाली सिलाई भी लगा दी हमने। अब यहाँ पे हम साइड में इंटरलॉक लगा लेते हैं दोनों साइड में, और फिर उसके बाद में हमें यहाँ से ये घेर फोल्ड करना है। तो पहले हम लगाते हैं इसमें एंटरलॉक। अब इधर हमने इसमें ये दोनों साइड में एंटरलॉक लगा ली है, और इस जगह से इस तरीके से एंटरलॉक लगाई है हमने। और यहाँ पे हमने ये जो कच्ची सिलाई लगाई हुई है उस कच्ची सिलाई को खोल लेंगे, और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे जिप। जिप लगाने से पहले दोस्तों मैं इसकी घेर की फोल्डिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हमने ये घेर भी फोल्ड कर लिया है अस्तर वाला। अब दोस्तों केवल हमें इसमें ये जिप लगानी है। जिप लगाने के बाद अपना ये लहंगा रेडी है। जिप लगाने के लिए हमने ये जिप ली है। इसमें सबसे पहले हम इसका फुट चेंज करेंगे। ये चाइनीज़ जिप लगाने के लिए हमें ये फुट चेंज करना होगा। दोस्तों ये जिप का वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है कि ये जिप किस तरीके से लगाते हैं। तो अगर आपको डिटेल में अगर ये जिप देखना है कि किस तरीके से लगती है, तो उसका वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इसको सीधा करके बताता हूँ। दोस्तों ये लहंगा अपना बन के कम्प्लीट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे नई नई डिज़ाइनें बना के और अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।